हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर में एक और पत्रकार पर पुलिस की द्वेषपूर्ण कार्यवाही। जिले के वरिष्ठ पत्रकारों में शुमार प्रेमदान देथा को पुलिस ने द्वेषपूर्ण कार्यवाही करते हुए शहर के एक व्यस्ततम कैंटीन से धक्के देते हुए हिरासत में लिया, जिसके बाद से ही बाड़मेर के पत्रकारों में रोष व्याप्त है। हालांकि पत्रकारों को हिरासत में लेने की कार्यवाही से बाड़मेर के पत्रकार अवगत नहीं थे, लेकिन संबंधित सदर थाना से पत्रकार को हिरासत में लेने की वजह पूछी गई तो उन्हें पेपर लीक होने का मामला बताते हुए सदर पुलिस थाना अधिकारी ने अपना पल्ला झाड़ लिया। वहीं पत्रकार को एविडेंस के रूप में हिरासत में लेने की बात कही, लेकिन किसी पत्रकार को सार्वजनिक स्थान से धक्का मुक्की कर पुलिस द्वारा हिरासत में लेना कहां तक उचित है, ये एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि इससे पूर्व भी बाड़मेर पुलिस ने बाड़मेर के एक वरिष्ठ पत्रकार दुर्ग सिंह राजपुरोहित को पटना से मिले एक व्हाट्सएप वारंट पर गिरफ्तार किया था। आपको अभी पुलिस जबरदस्ती उठा के ले गई, क्या मामला था, क्यों उठा के ले गई? देखिए, कल बाड़मेर पुलिस और प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामयाबी थी कि द्वितीय श्रेणी पेपर का शुरू हुआ था, उसके कुछ देर बाद में एक व्हाट्सएप के थ्रू मेरे पास पेपर आता है, उसकी मैंने जिला प्रशासन को सूचना दी। सूचना के बाद में जैसे ही उस खबर को मैंने चलाया, उसके बाद में क्योंकि पुलिस व प्रशासन की जिस तरीके की नाकामयाबी मैंने उजागर की तो उससे वो बौखला गए, और उसके बाद में उन्होंने साफ तौर से कहा कि आपका सोर्स बताओ, आपको किसने भेजा, क्योंकि पत्रकारिता इथिक में ये कहीं पर भी नहीं है कि आप अपने सोर्स का नाम बताओ। तो मैंने उनको मना किया, मैं सोर्स का नाम नहीं बता सकता, आप अपने चैनलों से पता करवाएं। तो उससे वो लोग नाराज हुए और कलेक्टर ने और एडीएम ने साफ तौर से कल ही मेरे को कह दिया था कि आपके खिलाफ मुकदमा होगा। मैंने कहा मैं मुकदमा का सामना करूंगा, लेकिन मैं मेरे किसी भी सोर्स का नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये पत्रकारिता के लिए काला दिन होगा जिस दिन मैं मेरे सोर्स का नाम बताऊंगा। आप जहां बैठे थे, जिस तरीके से आपको उठाया गया, उसको लेके किस तरीके की जबरदस्ती उठा गया? देखिए, मेरे को जिस समय उठाया गया उससे जस्ट 15 मिनट पहले बाड़मेर के एसपी से मेरी बातचीत हुई। उन्होंने साफ तौर से मैंने कहा कोई सर मेरे से बातचीत करनी तो बताइए। उसके बाद में कुछ एक हेड कांस्टेबल मेरे पास आते हैं नोटिस लेके, मैंने कहा मैं इस नोटिस का जवाब दे दूंगा, आपको जो भी पूछताछ करनी मैं आ जाऊंगा। इतने में मैं तो वहाँ बात ही कर रहा था, जितने में 4-5 पुलिसकर्मी आए, जिसमें एक ASI पन्नाराम जी थे और उसके साथ में कुछ कांस्टेबल थे, वो आए और जबरदस्ती जिस तरीके से किसी कातिल को उठा के लेके जाते हैं या किसी कुख्यात अपराधी को लेके जाते हैं, इस तरीके से जबरदस्ती उन्होंने उठा करके मुझे लेके गए और मेरे जो फोन थे वो छीने गए। उस फोन को उन्होंने थाने में खंगाले गए, न जाने उन्होंने क्या उस फोन से निकाला है ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उन्होंने एक अपराधी, बहुत बड़ा अपराधी, उस तरीके से यहाँ से उठा के लेके गए, जो कि एक अपने आप में मैं मानता हूँ कि दुखदायक है पत्रकारों के लिए कि पत्रकार अब खबर चलाएगा, सच्चाई सामने लाएगा, तो इस तरीके से उसको अपराधी की तरह सामना करना पड़ेगा। सदर थाने आपको सीधा डायरेक्ट ना ले जाके घुमा के लेके गया इसकी? देखिए, सदर थाने मुझे नहीं ले जाके, उन्होंने बाड़मेर शहर पूरा का चक्कर निकाला गया, पूरे शहर के बीच से मेरे जो है अपराधी की तरह ले जाया गया। मैं को थाने में ले जा करके वहाँ पर बिठाया गया। उसके बाद में उन्होंने मुझे कुछ इस तरीके की दबाव दिया कि आप अपने सोर्स के नाम बताओ। मैंने कहा मैं कानूनी तौर पर फेस करूँगा, लेकिन मेरे किसी भी सोर्स का नाम नहीं बता सकता। हाँ, अगर मुझे न्यायालय कहेगा तो मैं बंद कमरे में, हो सकता है अगर पत्रकारिता में इस ठीक में है कि मुझे सोर्स का नाम बताना चाहिए, और वो भी अगर देश सुरक्षा के लिए, तो मैं बता सकता हूँ, अन्यथा मैंने उनको मना किया। तो उसके बाद में जो घटनाक्रम हुआ, सारे मेरे पत्रकार साथी वहाँ पहुँचे और आप लोगों ने देखा। सर, जिस प्रकार से पत्रकारों पर कार्रवाई की जा रही है, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में निष्पक्ष रूप से मीडिया अपना काम कर पाएगा? क्योंकि मीडिया पर लगातार खबरें चलाने के बाद में पुलिस द्वारा दबाव बनाया जाता है, उठाया जाता है, मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। देखिए, बाड़मेर में तो ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय से एक पहले पत्रकार को उठाया गया जिसका भी कोई दोष नहीं था, शायद उसमें हाई कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया और बिहार सरकार से पूछा भी है। तो बाड़मेर के जो पुलिस और प्रशासन है वो अपने किसी भी नाकामयाबी को छिपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और उन्होंने इसी तरीके की धमकियां रेगुलर दे रहे हैं कि पत्रकार को खबर क्या चलानी है वो बाड़मेर का कलेक्टर बताएगा, वो चलानी है बाड़मेर के SP साहब बताएंगे, वो चलानी है। तो मुझे जहां तक लगता है कि अब पत्रकारिता को करने के लिए भी पत्रकार को बाड़मेर के
जिला प्रशासन से पूछना पड़ेगा कि किस तरीके की पत्रकारिता मुझे करनी चाहिए। पिछले दो माह में ये समझो तीसरा मामला है पत्रकारों के ऊपर। इस तरीके से अगर पत्रकारों के ऊपर हमला होता रहा तो पत्रकारिता कैसे करेंगे? देखिए, ये एक समाज के लिए सोचने का विषय है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो जिससे समाज भी उम्मीदें करते हैं उनके साथ में इस तरीके की होती है तो शायद मुझे नहीं लगता है आम जनमानस किसी भी मामले में सामने आएगा, किसी भी तरीके की कोई सच्चाई सामने लगेगी, क्योंकि उसको कानून का डर है। जब एक पत्रकार को जिसने खबर चलाई है और उसने प्रशासन का काम किया है कि किसी तरीके का आपका पेपर आउट हो रहा है, वो चीज उनको बताई है, उसके ऊपर अगर पत्रकार को गिरफ्तारी की जा सकती है, उसको जबरदस्ती उठा के लेके जा सकता है, तो आम जनमानस का तो बिल्कुल ही आप सोच सकते हैं वो किसी भी तरीके के कानून के साथ में या कानून के लिए किसी भी तरीके का सहयोग करने की स्थिति में नहीं हो पाएगा। क्या आप निर्वाचन आयोग से मांग करते हैं कि एसपी और कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिस प्रकार से असंवैधानिक रूप से आपको ले जाया गया? देखिए, अभी धारा 144 थी, अगर पुलिस और प्रशासन को इस तरीके के कोई भी मेरे से सवाल जवाब करना चाहिए था तो वो मुझे एक नोटिस देते, उस नोटिस का मैं जवाब देता, उनके लिए मैं जाके मेरे से जो कानून के लिए हेल्प होती मैं करता। लेकिन जिस तरीके की उनकी जो दंडनात्मक और जिस तरीके का डरावनी कार्रवाई थी कि एक पत्रकार टूट जाएगा, हम इस तरीके की कार्रवाई करेंगे और वो अपना सोर्स बता देंगे, क्योंकि पुलिस के पास में अब पुलिस की जो खुफिया विभाग है वो बिल्कुल नाकामा हो गया, क्योंकि उनको ये पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ से क्या चीज़ें हो रही है। तो उसका परिणति ये है कि इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है और पत्रकारों को डराया धमकाया जा रहा है। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।